तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के क्रम में जहानाबाद में हुए कार्यक्रम में उत्साही राजद नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ का शिकार एक समय सुरेंद्र यादव भी होते नजर आए। दरअसल तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम में गांधी मैदान में हजारों की संख्या में पार्टी नेता और समर्थक जुटे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव का स्थानीय विधायक सुदय यादव, सुरेंद्र यादव और अन्य सतीश दास समेत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया। लेकिन तेजस्वी यादव जहानाबाद में हों और उत्साही कार्यकर्ता उनके बगल में खड़े होकर एक फोटो न खिंचाएं, इसको लेकर काफ़ी गुत्थम गुत्थी दिखी। इसी गुत्थम गुत्थी में सुरेंद्र यादव तेजस्वी और तेज प्रताप से पीछे छूट गए और उत्साही कार्यकर्ताओं का आलम ये कि सुरेंद्र यादव को तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। अब देखिए इन तस्वीरों में सुरेंद्र यादव जहानाबाद के उत्साही राजद कार्यकर्ताओं की भीड़ में कहीं पीछे गुम से हो गए। तेजस्वी यादव को जब इसका आभास हुआ कि सुरेंद्र यादव जो उनके साथ थे वो भीड़ में कहीं खो गए, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, फिर उन्हें भीड़ में फंसा हुआ पाया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को साइड कर सुरेंद्र यादव फिर से तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे और फिर तेजस्वी और तेज प्रताप कार्यक्रम के लिए मंच पर आगे बढ़े। ये तस्वीरें जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं के उत्साह को दर्शाता है। पार्टी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बगल में खड़े होकर एक बार फोटो खिंचाने, कैमरे की नज़र में आने के लिए इस कदर उत्साहित हो गए कि वो स्थानीय नेता को भी पीछे ही छोड़ गए। इन तस्वीरों को देखकर राजद कार्यकर्ताओं के उत्साह का आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से इस भीड़ को लेकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी गदगद नजर आए। सुदय यादव से वो इस भीड़ को लेकर विशेष बातचीत करते दिखे। इस दौरान तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब पहुंच चुके कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी को किनारे करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी दम लगाकर सिक्योरिटी वाले उत्साहित राजद कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव के खतरनाक रूप से करीब आ जाने और ऊंचाई पर खड़े होने से धक्कम धुक्की की स्थिति बनने से बचाने के लिए काफ़ी मशक्कत करते नजर आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को दम लगाकर किनारे किया, तब जाकर तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी खुली जगह बनी। हालांकि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह था, लेकिन भीड़ को देखकर, कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर पार्टी नेता खासे उत्साहित नजर आए और जहानाबाद के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी खुश दिखे। इसका परिणाम था कि जहानाबाद में उन्होंने बस पे खड़े होकर सरकार और बीजेपी नीतीश कुमार को भी अपने निशाने पर लिया और जमकर हमला बोला। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। माँ गाड़ी पर बोलेगा।